अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गाजरों का सीजन आ गया है। बहुत अच्छी मजे की गाजर आ गई है, राइप, पकी हुई, जूसी। तो मैं फिर आपको सिखाती हूँ आज गजरेला या गाजर की खीर। लेकिन गजरेला बनाने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा कि गाजर अच्छी वाली आ जाए। अगर गाजर कड़वी होगी या सही सर्दियों वाली नहीं होगी तो फिर आपका जो गजरेला होगा वो थोड़ा सा कड़वा हो सकता है, तो फिर वो मजा नहीं आएगा जो हमें फ्रेश, राइप और जूसी गाजरों के साथ आता है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं, 1.5 किलो गाजर है, इसको मैंने धो के अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। 1 कप चीनी है, 1/2 कप चावल है, इनको मैंने अच्छी तरह से धो के भिगो दिया है। 2 टेबलस्पून भर के घी है और 2.5 लीटर दूध है। हम कुकिंग की तरफ आ जाते हैं। ये जो मैंने आपको घी लिखवाया था ये हम पैन में डालेंगे। ये हमने डाल दिया, घी मेल्ट हो गया। जैसे घी मेल्ट हो जाएगा हम वेट किए बगैर इसमें अपनी गाजरें डाल देंगे। इन गाजरों को हमने इतना कुक करना है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और श्रिंक हो जाए, तो हमने इसको 5 मिनट से ज्यादा कुक नहीं करना है। यहाँ पे मैं इसको स्टर कर रही हूँ, देखिए काफी सॉफ्ट हो गई है। इनको हमने इनकी भुनाई नहीं करनी, इनको ब्लैकिश नहीं करना, बस सिर्फ हमने हल्का सा इनको घी में डाल के सॉफ्ट करना है। ज्यादा इनको कुक बिल्कुल नहीं करना, ये खुद ही दूध में गल जाएंगी गाजरें। हमें इसको कुक करते हुए 5 मिनट हो गया, आप देखें ये कितने अच्छी सी सॉफ्ट हो गई है और थोड़ा सा इनका जो वेट है वो भी श्रिंक हो गया। अभी मैं क्या करूंगी, अभी मैं इसमें 1 ग्लास पानी डालूंगी, बस 1 ग्लास, इससे ज्यादा नहीं डालना। और साथ ही मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल जो मैंने भिगोए हुए थे उसका भी पानी मैं डाल रही हूँ। इसके अलावा मैंने 1 ग्लास पानी डाला है क्योंकि हमने चावलों को गलाना है। चावलों को थोड़ा सा मैंने मसल भी लिया था हाथ से ताकि ये बिल्कुल छोटे छोटे हो जाए। ये चावल जो है इनको मैं मिक्स करूंगी गाजरों और पानी के साथ अच्छे सा। पानी मुझे कम लग रहा है, मेरा ख्याल चावल इसमें गलेंगे नहीं, तो मैं इसमें 1 ग्लास पानी और डाल रही हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इसमें 2 ग्लास पानी डाला है। यहाँ पे आप देख सकती हैं कि चावल जो है हमारे वो बिल्कुल फूल गए हैं और जो पानी है वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। अभी जो मेरे पास फुल फैट मिल्क है 2.5 लीटर, वो मैंने जो आपको लिखवाया था वो सारा मैं इसमें डाल रही हूँ। अब हम वेट करेंगे कि इसको एक जोश आ जाए, एक उबाल आने का वेट करेंगे हम। ये देखें जी, यहाँ पे इसको जोश आ गया। अभी हम जो अपना फ्लेम है वो मीडियम टू लो कर देंगे और उसको उस वक्त तक हम कुक करेंगे जब तक इसमें खीर की तरह बबल्स ना आ जाए, और इन बिटवीन हम इसको स्टर करते रहेंगे ताकि नीचे से लगे ना। ये देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने बहुत पकाया, अभी आप देख सकती हैं कि इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए और इसका टेक्सचर आप देखें, बिल्कुल गाजरें, दूध बिल्कुल सेम हो गया, स्मूथ हो गया टेक्सचर इसका, बिल्कुल सेम हो गया, खीर की तरह का हो गया। तो अभी अच्छा, फिर एक मैंने आपको बात बतानी थी कि इंग्रेडिएंट्स में मैंने गलती से आपको कह दिया था 2 किलो गाजर, लेकिन वो 2 किलो गाजर नहीं थी बल्कि वो 1 किलो गाजर थी। अगर आप 1.5 किलो गाजर डालेंगी तो फिर आपको दूध और चीनी भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये 1 किलो गाजर है, प्लीज़ आप इसको करेक्ट कर लें। अभी इस स्टेज पे मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 1 कप चीनी डाल दूँगी। ये 1 कप चीनी मैंने इसमें डाल दी है। अब क्या है कि चीनी भी अपना पानी छोड़ेगी, तो हमने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक के ये चीनी पानी छोड़ दे और वो पानी भी हमने ड्राई करना है, और फिर ये हमारा जो है उसके बाद जब इसका टेक्स्चर स्मूथ हो जाएगा तो फिर ये हमारा डन हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, चीनी ने जो अपना पानी छोड़ दिया था वो सारा ड्राई हो गया है। ये हमारा गजरेला या हमारी जो गाजर की खीर है ये बिल्कुल रेडी है। आप देख लें इसका टेक्सचर बिल्कुल सब स्मूथ हो गया, सेम हो गया टेक्सचर, बिल्कुल खीर की तरह हो गया। ये हमारा यहाँ पे रेडी है। अभी मैं आपको इसको सर्व करके दिखाऊंगी, इसको हम डिश आउट करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, मैंने जो गजरेला है उसको डिश आउट कर लिया। ये जो हमारा गजरेला कह लें या गाजर की खीर कह लें, इसका ये फाइनल लुक है। ऊपर मैंने इसके क्रश्ड पिस्ता और बादाम डाला है, उससे मैंने इसको गार्निश किया है। आप ज़रूर इसको बनाएं, ट्राई करें, बहुत मज़े का बनता है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।